दोस्तों, अगर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को एक ब्राउज़र की तरह यूज करते हो तो आप क्रोम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। गूगल क्रोम ब्राउज़र में इतने सारे फंक्शन हैं कि अगर आप अच्छे से यूज़ करोगी तो बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह तो आप ढेर सारे काम गूगल क्रोम ब्राउज़र से कर पाओगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनिल, आपको स्वागत करता हूँ अनिल टेक विजन में। तो दोस्तों, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मास्टर बनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो को अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो बात करते हैं इस वीडियो की, तो यहाँ जानने वाले हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र के ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक। क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, यहाँ पर आपको एड्रेस बार दिखाई देगा और पहली जो ट्रिक्स है, एड्रेस बार में आप किसी भी वेबसाइट के नाम डालते हैं और वेबसाइट पर जाते हैं, लेकिन ये एड्रेस बार उससे भी ज़्यादा और अलग काम करता है, ये एक कैलकुलेटर का काम करता है। चलिए पाई के मान निकाल कर देखते हैं। यहाँ पर हमें क्लिक करना है और सिंपल टाइप करना है 22/7। तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। यहाँ कुछ भी क्वेश्चन डालोगी तो गूगल क्रोम ब्राउज़र आपको आंसर कर देगा। गूगल क्रोम ब्राउज़र में एक इनबिल्ट कैलकुलेटर है जो आपको किसी भी कैलकुलेशन को झट से कर सकता है। दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र आपके लिए एक मीडिया फाइल का भी काम करता है। अगर आपका कंप्यूटर में कोई भी मीडिया प्लेयर नहीं है या फिर आपका वीडियो फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको सिंपल क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए और कोई भी वीडियो फाइल है उसे ड्रैग कीजिए और एड्रेस बार में इस तरह से छोड़ दीजिए और एक बार इंटर प्रेस कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो प्ले हो रहा है और यहाँ पर आपको मीडिया कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर प्ले एंड पॉज का साउंड बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो यहाँ से, और यहाँ पिक्चर इन पिक्चर्स का ऑप्शन दिया गया है। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका वीडियो एक कॉर्नर पर प्ले होने लगेगा। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी इमेज व्यूअर नहीं है और आप किसी भी इमेज का प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्रोम ब्राउज़र एक इमेज व्यूअर का भी काम करेगा। सिंपल कोई भी इमेज उठाकर आपको एड्रेस बार में छोड़ देना है और कीबोर्ड से आपको इंटर प्रेस करना है, तो आपको उस इमेज का प्रीव्यू दिख जाएगा। दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र एक पीडीएफ रीडर का भी काम करता है, तो आपको सिंपल पीडीएफ फाइल को ड्रैग करके एड्रेस बार पर रखना है और अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पीडीएफ फाइल यहाँ पर ओपन हो चुका है। यदि आप चाहे तो यहाँ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसे रोटेट भी कर सकते हो। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो और यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो। यहाँ पर दिया गया है जूम इन का ऑप्शन और यहाँ पर दिया गया है जूम आउट का ऑप्शन, और यहाँ पर जब क्लिक कीजिएगा फिट टू पेज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र एक टेक्स्ट व्यूअर का भी काम करता है। तो मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है, मैं इसे ड्रैग करके एड्रेस बार में छोड़ देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, तो जो भी इसमें कंटेंट लिखा हुआ है हमें डिस्प्ले करने लगेगा। तो इस तरह से हम गूगल क्रोम ब्राउज़र के एक टेक्स्ट व्यूअर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी साइट को डुप्लीकेट ओपन करना है तो माउस के राइट बटन इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और सेम यूआरएल के साथ सेम वीडियो आपको यहाँ पर भी प्ले होगा। तो आप इस तरह से किसी भी साइट को डुप्लीकेट ओपन कर सकते हो। गूगल क्रोम ब्राउज़र में एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक दिया गया है, जिससे आप कोई भी वेबसाइट का शॉर्टकट डेस्कटॉप पर सीधा डेस्कटॉप पर क्रिएट कर सकते हो। तो शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए आप जो भी वेबसाइट का शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पर आप सर्च कीजिए, मैं अनिल टेक विजन का शॉर्टकट क्रिएट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सर्च करूँगा अनिल टेक विजन। उसके बाद
यहाँ पर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर मोर टूल दिखाई देगा, मोर टूल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जब आप मोर टूल पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है क्रिएट शॉर्टकट, यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ओपन एज विंडो है, इस पर टिक कर दीजिएगा और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है, इसे हम ओपन करके देखते हैं। यदि आपको किसी भी वेबसाइट का किसी भी आर्टिकल को पीडीएफ में सेव करना है तो यहाँ पर भी गूगल क्रोम ब्राउज़र आपको पूरी पूरी हेल्प करता है। तो इसे पीडीएफ में सेव करने के लिए यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, वह आपने कीबोर्ड से सिंपली कंट्रोल पी का प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, आप कौन से फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पीडीएफ में सेव करना चाहता हूँ, इसलिए सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सेव पर क्लिक करूँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोकेशन चूज करने के लिए बोल रहा है, इसलिए हम डेस्कटॉप पर सेव करेंगे और यहाँ से आप कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पर नेम चेंज कर दीजिए और यहाँ सेव पर क्लिक कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मेरा पीडीएफ बनकर तैयार हो चुका है, आइए इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो हमारा पीडीएफ बनकर तैयार हो चुका है। समझ लीजिए आप किसी वेबसाइट पर है और आपके दिमाग में आया कुछ सर्च करना है, तो आप एक नया टैब खोलेंगे, वहाँ पर टाइप करेंगे, इंटर मार के सर्च करेंगे। मगर मैं क्या करता हूँ, उसी टैब पर जो एड्रेस बार है वहीं लिखता हूँ और अल्ट इंटर दबाता हूँ। तो आप जब अल्ट इंटर दबाते हो तो वो सर्च टर्म है वो एक नया टैब में ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो आपको कोई डाउट है तो मुझे लिखिए। अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है।